हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। तो आज हमारे क्लिनिक पे आए हैं एक लैब्राडोर को लेकर। ठीक है, तो ये जैसा कि नितेश पंडित जी हमारे पास ही लैब्राडोर लेके आए, तो इसके कान में इन्फेक्शन हो रहा था। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि कान से मवाद आ रहा है, सारा दिन इसको खुजलाता रहता है। तो उसके बाद हमने इसके लिए एंटीबायोटिक तैयार किए, और ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये कान में पानी जाने की वजह से हुआ है। ये हम इनको बता चुके हैं कि इसको जब भी आप नहलाएं तो इसके कान में कॉटन वगैरह ज़रूर डाल दें, ताकि जो पानी है वो कान के अंदर ना जाए। ठीक है, ये तो हमने इसकी प्रिकॉशन बता दी। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए आप इसको क्या दे सकते हो, कान के अंदर इन्फेक्शन है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है टैबलेट। टैबलेट के लिए अगर पप्पी है, सेमी अडल्ट डॉग है, तो 375 mg अमोक्सिसिलिन पोटासियम क्लाउनेट की टैबलेट दे सकते हो मॉर्निंग इवनिंग। अगर अडल्ट डॉग है तो वही टैबलेट 625 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो भी मॉर्निंग इवनिंग में चलानी पड़ती है 3 दिन के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसको ईयर ड्रॉप देंगे। सिप्लोक्स की ईयर ड्रॉप है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, और उसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, आप चेक कर सकते हो। सिप्लोक्स ईयर ड्रॉप वुमेन ड्रग है, लेकिन वेटनरी के अंदर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद करते हैं हम बात इंजेक्शन की। इंजेक्शन के अंदर हमने इसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिए, ठीक है, और एक हमने इसकी डिवॉर्मिंग की है। इन्होंने बताया हमें काफ़ी टाइम से इसकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई है, क्योंकि डिवॉर्मिंग नहीं होने की वजह से क्या है, इसके जैसे हमने चेक किया था तो इसके बॉडी पे रैसेज हो रहे थे, एलर्जी हो रही थी, और हेयर फॉल इतना ज़्यादा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था हेयर फॉल। अगर आप इसका जैसे इसके स्किन के ऊपर से हाथ फेरते हो या ऐसे ऊपर से उठाते हो, स्किन को खींचते हो, तो सारे ही लगभग, ठीक है, बाल इसके हाथ में आ जाते हैं, तो वहाँ से उस जगह से। तो उसके लिए हमने इसकी डिवॉर्मिंग करना सही समझा, तो हमने इसकी डिवॉर्मिंग की, क्योंकि डिवॉर्मिंग काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, और डॉग के डिवॉर्मिंग नेसेसरी है हर 3 मंथ के अंदर। अगर आप टैबलेट से कर देते हो सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या है कि जो डॉग है टैबलेट नहीं ले पाते हैं, बखेर देते हैं या उल्टी कर देते हैं, तो उसके लिए इंजेक्शन है। आप उसको 3 महीने के अंदर एक इंजेक्शन लगवा लीजिए, और जो डॉग है वो डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। किसी किसी डॉग में इंजेक्शन रिपीट करना पड़ जाता है, ठीक है, अगर हैवी हेयर फॉल है, एलर्जी हो रही, रैसेज हो रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम उसको रिपीट कर देते हैं डोज को 1 सप्ताह के बाद, वो एलर्जी आने लग जाती है, और एलर्जी से बचाने के लिए हम इसको रिपीट डोज करते हैं। तो इसके लिए तो हमने सिर्फ एक एंटीबायोटिक दिया और एक डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन दिया। ये 2 डिवॉर्मिंग और एंटीबायोटिक हमने 1 ग्राम यूज की है, और जो उसका डिवॉर्मिंग के लिए आइवरमेक्टिन आप सभी को पता है बेस्ट तरीका है, बेस्ट सॉल्यूशन है, तो हमने वो चूज किया है। तो डिवॉर्मिंग तो करते हैं, चलो आइए। एक इंजेक्शन हम इसको सब कट देते हैं, और एक इंजेक्शन हम इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट था, ये हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं, ये हमने सब कट दे दिया। कुछ देर बाद हम इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं, डॉग बिल्कुल फिट।